ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, बस ये देख रहा था कि तुम हंसते हुए कितनी अच्छी लगती हो। प्लीज ऐसी हंसती रहा करो। और अब इसका क्या करेंगे? इसे मैं जाकर रख देती हूँ और आपके लिए कॉफी लाती हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये मैंने आहिल के लिए कुछ शॉपिंग की थी तो सोचा ड्रॉप करती हुई जाऊँ। चलो ये तो बहुत अच्छा किया। फिर जब आती हो तो अपने साथ अरीशा को भी ले आया करो। इस बहाने कम से कम मेरी भांजी से मेरी मुलाकात तो हो जाएगी। जी आंटी, भाभी कहाँ पर है? रूमी तो सो रही है, मैं आहिल को बुलवा लूँ? क्यों आंटी, आप मेरे से बोर हो गई इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर ये बताओ कि आजकल क्या चल रहा है? लगता है शॉपिंग हो रही है। जी आजकल शॉपिंग हो रही है। आपको सारे में नहीं बताया, कल वो मेरे साथ ही थे शॉपिंग पे। शॉपिंग पर सारे मरूम में शॉपिंग पर भी गए थे ना? नहीं भाभी तो नहीं थी। इनफैक्ट सारे बता रहे थे कि भाभी अपने पेरेंट्स के घर गई हैं, शायद उन्हें कोई वहां पे काम था। मगर सारे मरूम में तो डिनर पर गए थे ना? नहीं डिनर तो सारे ने मेरे साथ किया है कल। मेरे ख्याल से भाभी ने आपको कुछ बताया नहीं। हो सकता है कि उन लोगों का प्लान चेंज हो गया। आंटी वैसे मुझे सारे में बहुत खोए खोए डिस्टर्ब लग रहे थे। अरे नहीं नहीं सहरेश, ऐसी कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा मैं ऐसा करती हूँ कि चाय का कहती हूँ। जी साथी आंटी, कुमसुम बता रही थी कि सहरेश आई थी। वैसे अजीब बात है ना, उसे तुम्हें कॉल करके आना चाहिए था, लेकिन अगर वो तुम्हें फोन करके आती तो शायद तुम उसे मना कर देती। आंटी मैं ऐसा क्यों करती? कल कहाँ गए थे तुम लोग? अब आंटी वो मैं सारिम के साथ ही थी, फिर उन्हें कॉल आई कि अर्जेंट काम से जाना है तो अम्मी के घर ड्रॉप कर दिया था उन्होंने मुझे। इतने अर्जेंट काम में वो सहरेश के साथ डिनर करने चला गया? मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मैंने तुमसे कहा कि तुम आहिल को घर पर रहने दो और उसके बदले में तुम बजाय सारिम के अपनी अम्मी के यहाँ चली जाओगी। एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी आंटी, लेकिन अब सब ठीक है। रूमी कोशिश करना कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोबारा ना हो, क्योंकि शादी के बाद अगर इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती रही ना तो मर्द किसी और के साथ अंडरस्टैंडिंग कर लेता है।